तो हे गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने गेमिंग चैनल के अंदर। तो आज फिर से हम फार्मिंग सिमुलेटर 2 प्ले करने जा रहे हैं, और बहुत सारा लोगों का प्यार मिला है इस पर। तो आज फिर दोबारा इस गेम को शुरू करते हैं यहीं से। तो अभी हम आ चुके हैं भाई, हमने लास्ट गेम के अंदर हमने ये फिनिश कर लिया था, और यहाँ तक ये भी कर लिया था फिनिश। तो अभी मैं मैप में चेक कर लेता हूँ 1 सेकंड के लिए, तो अपना क्या क्या बचा हुआ है यहाँ पर। अपने खेत कौन से हैं, ओ 1 सेकंड, तो जिसमें अभी अपना ओ आई थिंक नहीं, आई थिंक ये 42 है, 42 हमारा नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो ये हो गया अपना, ये इसमें कुछ है नहीं, ये गाड़ी, और इसने अपना काम कर ही दिया था। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, ओके इसका अनाज बचा हुआ है। तो अभी हम नेक्स्ट, तो इस माल को, इस मटेरियल को वहां तक छोड़ के आएंगे, तो इसको मैं बाद में छोड़ के आऊंगा। उससे पहले मैं एक नया कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ, जिससे आसानी से एक कॉन्ट्रैक्ट हम कंप्लीट। 97 फील्ड नंबर 5 का हमने 97 वर्क कर रखा है, और ये जो रहेगा हमारा बाकी का 3% भी, जब हम उसका अनाज यानी कि ग्रेन एलिवेटर जो है, टेक द प्रोडक्ट ऑफ द CGHB ग्रेन एलिवेटर, तो जहाँ अभी लग हम अनाज को गिराते आए हैं यानी कि मार्केट मान लीजिए, वहां पर जहाँ पे छोड़ के आए हैं, तो उसी मार्केट में इसको पेंडिंग ग्रेन को, वहां पर वीट को हम छोड़ेंगे। उसके बाद ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ में हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास और भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट छोटा सा हम कर लेते हैं अच्छे वाला। तो ये तो नहीं है ये, हाँ ये हम पूरा करेंगे, हार्वेस्ट द कैनोला इन फील्ड। ओके तो अपने पास भाई है तो, बट ये आइडिया नहीं है मुझे, मुझे इसको बोरो करना पड़ेगा। और फील्ड नंबर मैं पहले चेक कर लेता हूँ, फील्ड नंबर 1 मेरी लोकेशन से कितनी दूर है। तो फिलहाल जहाँ पर हम वही वर्क कर रहे हैं ना, तो भाई बहुत दूर है, और इससे मैं आई थिंक, हाँ मेरी मशीन तो इधर ही है, मेरी मशीन तो इधर ही है। बाकी मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को हम ले ही लेते हैं 1 सेकंड के लिए। इसको छोटा सा है, और ये भाई 1 सेकंड, ये वाली मशीन तो कैनोला, ये मशीन तो अपने पास थी ना, है इसमें एक मशीन तो ये, लेकिन इसमें हमने करना भी ऑट, और ये 22 नंबर है। तो मेरे को 1 सेकंड में ना इसको ले लेता हूँ, क्योंकि ये फील्ड नंबर 1 है और पास में ही है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और चलिए फील्ड नंबर की मैं इन इनकी तैयारियाँ करवा देता हूँ। तो फील्ड नंबर इससे कितनी दूर है, इसके पाइप अंदर कर लेते हैं। इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है जहाँ तक, तो इसके साथ काम करने का मज़ा भी आता है। और 1 नंबर फील्ड कितनी दूर है ये भाई, बहुत दूर है यार, कैसे लेके जाऊंगा, समझ से थोड़ा सा। अरे भाई इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा 1 सेकंड के लिए। लोअर, भाई ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा इसको कैसे ना कैसे करके, इसी रास्ते से हम जाएंगे। इधर रोड भी है वैसे तो, लेकिन साइड में से चलना पड़ेगा हमें। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कब कैसे ना कैसे करके कंप्लीट करते हैं। और एक बात और हैप्पी दीपावली की सबको शुभकामनाएं, कल
परसों था दशहरा, और आपको दशहरे की भी शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली भी। मैं एडवांस में दे देता हूँ, हो सकता है कि काफी बिजी हो आप लोग और आप तक ना पहुंचा जाए। तो भाई मुझे रास्ता तो नहीं नजर आ रहा, मैं इसको लेके कैसे जाऊंगा? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये वहां तक जा सकती है। एक्चुअल में भाई नहीं जा सकती, मैंने खाम का पंगा ले लिया इस रास्ते से, बहुत बड़ा पंगा लिया है, बहुत बड़ा, छोटा नहीं, बहुत बड़ा। ओके, टायर के हिसाब से मैं ले सकता हूँ इसको। तो यहाँ से इस रास्ते से होके हम जा सकते हैं ना, और काफी बड़ा जाम लग चुका भाई यहाँ पे, और फसल का भी हर्जाना मुझे देना पड़ सकता है भाई, क्योंकि यहाँ पर फसल है इस साइड में, इसका भी हर्जाना मुझे देना पड़ सकता है। तो इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि मुझे वापसी हो जाना चाहिए भाई। तो यहाँ से तो मैं नहीं जा सकता, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यहाँ से भी है रास्ता वैसे, चलो यहाँ से निकलते हैं। मैप में आगे से ले सकते हैं क्या? इधर से है रास्ता, बट मेरे को ऐसा डर लग रहा है कहीं आगे से भी रास्ता बंद ना हो और प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि ये ना आगे से इसका हेडर काफी बड़ा है भाई, छोटा नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा है। ये देख सकते हो आप, हेडर बहुत बड़ा है इसका। इसी लालच के साथ मैं आगे बढ़ने की कोशिश की थी इसके साथ, बट आगे रोड तो है, हेडर को बड़ा संभाल के लेके जाना पड़ेगा। और भाई अगर कोई सामने से गाड़ी आ गई तो मतलब नहीं बनता कि मैं पार कर दूंगा कैसे ना कैसे, नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। इधर से भी नहीं जा सकता भाई, इधर से भी नहीं जा सकता। सॉरी यार, क्या कर दिया मैंने ये। और कोई रास्ता है क्या? और कोई रास्ता? इसको मैं ले जा सकता हूं, लेकिन इसी के जो हेडर के साथ जोड़ के लेके जाना पड़ेगा, और काफी वक्त खराब हो गया हमारा भाई, उसके लिए माफ करना मुझे। मैंने इसका हेडर पॉइंट उधर ही रखा हुआ है, इस हेडर पॉइंट पे लगाना पड़ेगा इसको। और ये लीज पे लिया हुआ है इसका, वो भी चार्ज मेरे उसमें से माइनस हो रहा होगा कहीं ना कहीं। मैं खाम का इससे पंगे ले रहा हूँ यार, मैं अपनी मशीन ही लगा देता हूँ। ये इतनी बड़ी भी नहीं है, ये इतनी बड़ी भी नहीं है, इतनी बड़ी भी नहीं है, और मैं इसी को लेके जाता हूँ उधर तक। ये निकल, ये चली जाएगी आसानी से, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मशीन निकल जाएगी उधर से आसानी से, ये जा सकती है नो डाउट। तो हमारे वर्कर भाई दिन रात लगे रहते हैं काम, वर्किंग पर। भाई इसकी स्पीड बहुत कम है, बहुत कम है भाई, सुबह से शाम हो जाती है, इसलिए मैं उस मशीन को लेके जा रहा था, क्योंकि उसकी स्पीड भी अच्छी है, काफी सही स्पीड है उसकी। और जिस जमीन के टुकड़े के लिए हम जा रहे हैं, है तो वो काफी छोटा सा, और आप लोगों तक शोर भी आ रहा होगा भाई बहुत ज्यादा, इसलिए मैं अंदर ही बैठ जाता हूँ, क्योंकि बाहर से चारों तरफ कांच की फिटिंग है, इसलिए थोड़ा सा साउंड प्रूफ हो जाता है, बट इसके अंदर बैठ के ज्यादा देर मजा नहीं आता जो मजा इधर आता है, क्योंकि पूरी ग्रीनरी
पूरा सब कुछ खुला खुला दिखता सब कुछ। तो अब यहां तो हम आ गए हैं, एक सेकंड रास्ता चेक कर लेते हैं हम। सामने ही वैसे हमारी जमीन जिसका हमने काम करना है। ओ जाम लग गया भाई, जाम लग गया, जाम लग गया। सॉरी 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 दोस्तों, माफी चाहता हूँ। यहाँ से तो मेरा जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कैसे ना कैसे करके बचते बचाते हुए हम उस जमीन के टुकड़े तक पहुँच जाएंगे। और चलिए इस जमीन के टुकड़े तक हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हो जाती है भाई अपनी कैनोला की कटाई शुरू। और बचपन में भाई बहुत, जब हम छोटे होते थे, मतलब सच में बहुत प्यार करते थे हम इस कंबाइन से। बट लोकल में लोग इसको पता क्या बोलते थे? लोकल में लोग इसको डायन बोलते थे, क्योंकि ये ना हर किसी का काम छीन लेती थी, तो इसलिए इसको डायन का रूप दिया हुआ था भाई लोकल जो लोग होते थे। तो थोड़ा सा था फर्क, लेकिन भाई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का फर्क तो होता ही है। आज नहीं तो आज अगर यूज नहीं करे तो आने वाले वक्त में हमें यूज करना ही पड़ता है। तो ये चल रही है मशीन, इसको चलने देते हैं। हम जो हमारा आधा मटेरियल बचा हुआ है ना, इसको मैं मार्केट तक पहुंचा देता हूँ। और इसको मुझे पहुंचाना भाई यहाँ पर। मैं वैसे तो नुकसान कर रहा हूँ, लेकिन कैसे ना कैसे करके, अब तो मैं चला गया खेतों के बीच में, कैसे ना कैसे करके मैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ। मुझे सिर्फ 10-5 मिनट दे दीजिए बस, और 5 मिनट तक कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरा गेम प्ले हो जाएगा पूरा। हमें जहाँ पे बलून नजर आ रहा है ना, हमें वहां पहुंचना। और यहाँ पे रास्ता बड़ा भयंकर था, लास्ट टाइम भी हमने यहीं से कुदा दिया था अपना ट्रैक्टर को। और माय गॉड, पलट पलट गया भाई, पलट गया पलट गया। खड़ा हो जा बच्चे, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा शेर के बच्चे, खड़ा हो गया भाई। अरे कहना मानता भाई, वरना तो फंसी जाते इसके अंदर, बहुत टाइम लगता है भाई। अगर एक बारी प्रॉब्लम आ जाए ना तो ये अटकी जाता पूरा सिस्टम। और बस ये सेल हुआ और हमने वो कंप्लीट कर देंगे इसको। साइड में आई थिंक जवार बुई हुई है भाई। यहां से बस हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी डेजिनेशन पे। हाँ मंडी मान लीजिए। और इस शहर के अंदर भाई आपको मैक्सिमम विंटेज गाड़ी देखने को मिलेगी, काफी प्यारी गाड़ियां नजर आ रही है। चलिए फाइनली हम मंडी तक पहुंच चुके हैं। ओके, यहाँ पहले से ऑलरेडी अपना एक ट्रॉली, मैं इसको बाहर निकाल के गया था, ये अंदर कैसे आई पता नहीं। कोई बात नहीं, इसका ये लास्ट था और लास्ट राउंड है इस कॉन्ट्रैक्ट का। बस इसको हमने डाला और अपना कंप्लीट। चलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट ऑन फील्ड 5 फिनिश्ड हो चुका है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। और इसका पैसा भाई
कट कटा के बहुत कम मिला है। चलिए ये कॉन्ट्रैक्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। एक कॉन्ट्रैक्ट अपना पेंडिंग है, ये भी खत्म होने वाला ही है। चलिए काफी है। तो चलिए दोस्तों आज हम इतना ही खेल पाएंगे क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली।